हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया जाएगा, अभिजीत बनर्जी विनायक, एस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। और अभी तक जितने भी मैंने नोबेल प्राइज 2019 कवर किया 6 क्षेत्रों में, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का अर्थशास्त्रीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो अभिजीत बनर्जी विनायक हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में और वर्तमान में इनके पास अमेरिका देश की नागरिकता है। जो एस्थर डुप्लो हैं ये फ्रांस की अर्थशास्त्री हैं और अभिजीत बनर्जी की पत्नी भी हैं। माइकल क्रेमर ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। इन तीनों लोगों को इस साल का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो इन्होंने वैश्विक गरीबी खत्म करने के लिए एक प्रयोग किया है, शोध किया है, इसी शोध के लिए इन तीनों को इस साल दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका संबंध भारतीय मूल से है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैंने नोबेल प्राइज़ पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 2019 से जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उनको डिस्कस किया है, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम रिलेटेड नोबेल प्राइज़ के एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी कवर किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस जो कि भारत में दवा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों का एक फोरम है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के सतीश रेड्डी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। के सतीश रेड्डी का पूरा नाम है कॉलम सतीश रेड्डी, जिनको भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो के सतीश रेड्डी हैं ये वर्तमान में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के चेयरमैन भी हैं, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आपको दो नाम और याद रखना है जिनके साथ रेड्डी शब्द लगा है। कौन कौन से हैं नाम? जी सतीश रेड्डी, जो कि वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। दूसरा नाम है वाई वी रेड्डी, जो कि 14वें वित्त आयोग के हेड हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर प्रकाशित होने वाली पुस्तक किसने लिखा है? तो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, जिसका पूरा नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। इस पुस्तक को लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं और वर्तमान में पूरी दुनिया में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं और पहले सबसे धनी व्यक्ति हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस। बिल गेट्स की एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसके द्वारा इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा गया है इनके स्वच्छ भारत मिशन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2019 का ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। ये जो इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये जो जलवायु परिवर्तन है उस पर आधारित है और इसमें ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन तथा उससे होने वाले संकट से कैसे बचा जाए, उसके समाधान के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा इनकी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके सीईओ हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनकी पिछले साल एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था हिट रिफ्रेश। ये पुस्तक जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हिट रिफ्रेश के लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भारतीय मूल के व्यक्ति सत्या नडेला की पुस्तक है हिट रिफ्रेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 है इसका आयोजन किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ इनके पास पर्यटन मंत्रालय भी है। तो आपको यहाँ से तीन क्वेश्चन याद रखना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, किसके तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत, किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब आपको मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं लालजी टंडन, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भोपाल भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है और पहला सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का ही इंदौर शहर। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। अब हम कुछ मेले या फिर समिट देख लेते हैं जो कि रिसेंट में हुई हैं, जैसे कि प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन आयोजित किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, भारत का पहला खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तराखंड के देहरादून शहर में, 38वां इंडिया कारपोरेट एक्सपो का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, विज्ञान धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में, 39वां विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। तो ये हैं कुछ रिसेंट में आयोजित की गई समिट और कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फार्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है? तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हैं वाल्टेरी बोटास, जो कि फिनिक्स यानी कि फिनलैंड देश के कार रेसर हैं और ये वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन याद रखना है। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने, जो कि फिनलैंड देश के हैं और वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। फिनलैंड देश से आपको एक कंपनी का नाम याद रखना है, उस कंपनी का नाम है नोकिया। नोकिया जो कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये फिनलैंड देश की कंपनी है और इसके वर्तमान में CEO हैं भारत के व्यक्ति राजीव सूरी, और नोकिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। तो ये तीन क्वेश्चन आपको फिनलैंड देश से याद रखना है। इसके अलावा सितंबर महीने में 4 ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई। पहली है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीत लिया चार्ल्स लेक्लर ने, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी जीत लिया चार्ल्स लेक्लर ने, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीत लिया सेबेस्टियन वेटल ने, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीत लिया लुइस हैमिल्टन। तो ये हैं पिछले महीना में आयोजित की जाने वाली ग्रैंड प्रिक्स रेसें। तो आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो हम कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जापान से। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जापान में हगीबीस नाम का टाइफून यानी कि तूफान आया हुआ है, और अभी अभी भारत ने जापान के साथ धर्म गार्जियन नाम की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे, जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर 2020 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, जापान की मुद्रा का नाम है एन, जापान की संसद का नाम है डाइट, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, और जापान ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन को टेस्ट किया है जिसका नाम रखा है अल्फा एक्स। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड जो कि जापान से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 6 होना चाहिए, कोई बात नहीं। हाल ही में विश्व मानक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 2019 का मनाया गया है। तो विश्व मानक दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस था, इसका इस साल थीम था वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। तो ये आपको थीम भी याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस हर साल मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड जो कि अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है, इसके इंडिया बिजनेस के लिए नए चीफ ऑपरेटिंग के रूप में नियुक्त किया गया है विकास वर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विकास वर्मा जी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है मास्टर कार्ड इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग के रूप में। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला,
जो मास्टर कार्ड कंपनी है ये किस देश की कंपनी है, तो मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल कंपनी है अमेरिका देश की और इसके वर्तमान में सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो अजय पाल सिंह बंगा ये भारत के व्यक्ति हैं और ये वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, आप डेबिट कार्ड 2-3 कंपनियों के यूज करते होंगे, या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा का या फिर रुपए का। तो जो मास्टर कार्ड और वीज़ा ये दोनों अमेरिकन कंपनियां हैं और वीज़ा के वर्तमान में सीईओ हैं अल्फ्रेड एफ केली जूनियर और इसका मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। तीसरा जो आप डेबिट कार्ड यूज करते होंगे उसका नाम है रुपए। जो रुपए है ये भारत का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है और रुपए को बनाया गया है आरबीआई की सब्सिडरी एनपीसीआई कंपनी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है रुपए जो है ये भारत का एक स्वदेशी कार्ड है जिसको बनाया गया है एनपीसीआई कंपनी के द्वारा, एनपीसीआई कंपनी जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 किन दो देशों के बीच आयोजित की गई। तो वज्र प्रहार हर साल भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भी, एक साल भारत में और अगले साल अमेरिका में आयोजित की जाती है। तो पिछले साल 2018 में वज्र प्रहार जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास ये राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित की गई थी और इस साल आयोजित की जा रही है अमेरिका के सिएटल शहर में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, वज्र प्रहार 2019 का आयोजन किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका के सिएटल शहर में। और मैंने आपको कल बताया था कि जो भारत और जापान है इसके बाद बीच अभी अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है धर्म गार्जियन। और भारत जापान के साथ एक दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और ये जो मालाबार एक्सरसाइज है यहीं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना जो कि मैं डेली बताता हूँ और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि भारत बांग्लादेश के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है संप्रीति, भारत जो श्रीलंका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मित्र शक्ति, भारत नेपाल के साथ करता है सूर्य किरण, भारत जो चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, भारत जो रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है इंद्र। अभी अभी भारत ने मंगोलिया देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट, और इससे पहले भारत ने कजाकिस्तान देश के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम है काजिंड। तो ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केरल की भारती नन मरियम थ्रेसिया को किसके द्वारा संत की उपाधि दी गई है। तो नन यानी कि साधु मरियम थ्रेसिया को अभी अभी पोप फ्रांसिस के द्वारा एक संत की उपाधि दी गई, कहाँ दी गई है। तो जो मरियम थ्रेसिया हैं ये भारत की एक नन थी जो कि 1930 के करीब केरल में रहती थी, इनको पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि दी गई है वेटिकन सिटी में। जो पोप फ्रांसिस हैं ये जो कैथोलिक ग्रुप के लोग होते हैं इनके वर्तमान में पूरी दुनिया के हेड हैं और इसका आयोजन किया गया था वेटिकन सिटी में, वहीं पर जो भारतीय मूल की नन हैं मरियम थ्रेसिया इनको संत की उपाधि दी गई पोप फ्रांसिस के द्वारा। जो वेटिकन सिटी है ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है एरिया वाइज भी और जनसंख्या वाइज भी। वेटिकन सिटी की राजधानी है वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है ये रोम शहर से घिरा हुआ है और इसकी एरिया है 44 हेक्टेयर और इसकी आबादी है लगभग 1000 और यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया। तो डच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लक्ष्य सेन और इनका पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जो वर्ल्ड टूर आयोजित किया जाता है ये इनका पहला वर्ल्ड टूर है। जो लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड राज्य से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है डच ओपन बैडमिंटन पुरस्कार 2019 को जीत लिया है लक्ष्य सेन ने जो कि उत्तराखंड राज्य से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एलेक्सी लियोनोव का निधन हुआ है, आपको बताना है कि एलेक्सी लियोनोव कौन थे। तो एलेक्सी लियोनोव एक अंतरिक्ष यात्री थे, कॉस्मोनॉट थे, इनका अभी अभी निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो एलेक्सी लियोनोव थे ये रूस के एक कॉस्मोनॉट थे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे, और ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में अपने अंतरिक्ष यान से निकलकर लगभग 12 मिनट 9 सेकंड चहल कदमी यानी कि स्पेस वॉक किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एलेक्सी लियोनोव दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में चला, चहलकदमी किया, स्पेस वॉक किया, जिनका अभी अभी निधन हो गया है। अब आपको यहाँ से अंतरिक्ष से दो तीन क्वेश्चन और याद रखना जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि लॉन्च किया गया था USSR यानी कि आज के रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को। भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको जो कि लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, ये भी रूस से थे, ये 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। और चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका से थे, ये 1969 में चांद पर पहले गए थे। और स्पेस में वॉक करने वाले अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर पहले व्यक्ति थे एलेक्सी लियोनोव, जो कि रूस से थे, और इनका अभी अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वर्ष 2017 और 2018 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो वर्ष 2018 और 2017 के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है ये दिया जाएगा इस साल चंडी प्रसाद भट्ट को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो आप ये फोटो में देख रहे हैं ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी, इन्हीं को दिया जाएगा इस साल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और ये भारत के एक पर्यावरणविद यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था उसका सही आंसर है कि हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर था अबी अहमद अली। और अब है आपके लिए आज का क्वेश्चन कि हाल ही में टाइफून हगिबिस किस देश में आया हुआ। तो टाइफून हगिबिस किस देश में आया हुआ है, इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और जब आप क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर मेंशन किया करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर।